नमस्कार, स्वागत है उत्तर प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा को बीजेपी ने किया बर्बाद। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को नहीं मिल रहा ड्रेस, बच्चों के नहीं मिल रहे ड्रेस। प्राइमरी स्कूल में खाना और सारस को संरक्षित करने के लिए नहीं बना कोई रिसर्च सेंटर। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर ये बयान दिया है और कहा है कि बच्चों को ड्रेस नहीं मिल रही है। मैनपुरी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिक्षा को लेकर बीजेपी शिक्षा को बर्बाद किया है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। बच्चों को नहीं मिल रहा प्राइमरी स्कूल में खाना और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। किसको सुख और किसको आराम, लेकिन मैं समझता हूँ शिक्षा से लोग अपना जीवन बदलते हैं, भाग्य बदलते हैं। जितना अच्छा हम शिक्षा दे सकेंगे समाज को, देश को, प्रदेश को, उतना ही हमारा खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाएगा। भविष्य में हमें शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम कर सके उतना करना चाहिए। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि शिक्षित समाज बने, और खासकर उनका समाज शिक्षित बने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी यही कहते थे। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में जिला अस्पताल के ही अंदर बूफे लगाकर डॉक्टरों ने जमकर ठुमके लगाए हैं। अस्पताल के सीएमएस और डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य कर्मियों ने ठुमके लगाए हैं। सपनों में मिलती है पूरी गाने पर स्वास्थ्य महकमा जमकर फिरके हैं, और डॉक्टरों के अस्पताल के अंदर डांस का वीडियो भी वायरल हुआ है। कायाकल्प योजना में उत्कृष्ट कार्य पर प्रोत्साहित राशि मिलने पर जिला अस्पताल जश्न का अड्डा बना है, और डॉक्टरों के इस हरकत से अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान हो गए। और अब खबर मथुरा से है। मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह भारी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते हैं, जिसके चलते शनिवार और रविवार को वृंदावन क्षेत्र में जाम लगा रहता है, और जिसके कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालु सहित स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के चलते पुलिस प्रशासन के साथ यातायात विभाग को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और ऐसे में वीवीआईपी आगमन, यातायात पुलिस सहित पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। नमस्कार दर्शकों, आज वीकेंड है और वीकेंड के दिन मथुरा वृंदावन में देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये श्रद्धालु जब अपने वाहनों को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं तो क्या हाल होता है, इसका ये नजारा भर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ तक केवल वाहनों की लंबी लंबी कतारें निकल के दिखाई देंगी, लेकिन इस सब के बीच यहाँ यातायात पुलिस मुस्तैदी से डटी हुई है, और किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए यातायात पुलिस सहित स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एसपी ट्रैफिक स्वयं यहां सारी व्यवस्थाओं का मोर्चा संभाले हुए हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो श्रद्धालु यहां मथुरा पहुंच रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, लेकिन यहां जो संख्या बल आता है उसके कारण यातायात का क्या कुछ हाल होता है, एक बार कोशिश करेंगे बात करने की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप यहाँ स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है सर? अब यहाँ पे डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है, जो सैटरडे संडे में स्पेशली लागू की जाती है, और हर आदमी यहाँ पे अंदर जाने का प्रयास करता है, जिससे अंदर की समस्याओं बढ़ जाती हैं। प्रयास यही किया जा रहा है कि इनको डाइवर्जन करा करके और अन्य मार्ग पे जो है वैकल्पिक मार्ग पे
गाड़ियों को भेजा गया। तो ये थे SP ट्रैफिक साहब जो कि स्वयं सारी व्यवस्थाओं को यहाँ संभाले हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर देवरिया से सामने आ रही है। संत विनोबा PG कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षा हुई संपन्न। प्रैक्टिकल परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल फाइल को छात्रों ने फाड़ा। परीक्षा हॉल और गेट पर ही प्रैक्टिकल फाइल को बनाया कूड़ा और छात्रों के इन हरकत को देखकर भी कॉलेज प्रशासन रहा मौन। कॉलेज प्रशासन से नाराज छात्रों ने फाड़ी प्रैक्टिकल की फाइलें। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विनोबा भावे कॉलेज से ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर शिक्षकों से परेशान होकर छात्रों ने प्रैक्टिकल की फाइलें फाड़ दी हैं। ये तस्वीरें आपको देवरिया से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र नाराज होकर अपने प्रैक्टिकल की फाइलों को फाड़ रहे हैं। कॉलेज के गेट पर ही प्रैक्टिकल की फाइलों को फाड़कर कूड़ा बना दिया है और कॉलेज प्रशासन इन सब को देखकर भी मौन नजर आ रहे हैं। संत विनोबा PG कॉलेज की ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर छात्रों ने अपने प्रैक्टिकल की फाइलों को फाड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं विजय तिवारी और आप देख रहे हैं RN TV। इस समय हम लोग देवरिया जनपद के संत विनोबा PG कॉलेज में उपस्थित हैं। यहां पर LLB के छात्रों का ट्यूटोरियल एग्जाम था जिसमें कि यहां पर सब बच्चे सुबह 10 बजे से आए थे और शाम के 4 बजे तक वो लोग अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। परीक्षा के बाद क्या होता है फाइल का असली महत्व आप देख सकते हैं हमारे पीछे। छात्रों ने किस प्रकार से फाइल को रद्दी की तरफ फेंक दिया है, इस पे विभाग की तरफ से भी कोई और थाना कोतवाली क्षेत्र के देवी चुंगी निवासी विनय और विकास पास के ही गांव शिव सिंघूर में बांस काटने के लिए गए हुए थे, तभी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए हैं और वही बुरी तरह से झुलस भी गए हैं। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है जहां से एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे सैफई पैरा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है, तो वही एक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वही पूरी घटना को लेकर क्षेत्र अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि एक की हालत नाजुक है जिसको सैफई रेफर किया गया है और एक युवक का इलाज जिला अस्पताल में ही चल रहा है। ये विनय और विनु और एक विकास, दो जो लगभग 30 साल और 23 साल के जो दो लड़के हैं, ये लोग देवी के रहने वाले हैं। ये लोग गए थे शिव सिंह को पड़ता है गांव पास में ही, वहां बांस काटने गए थे। बांस के पास जो है हाई वोल्टेज की बिजली करंट था, वो टच हो गया। टच होने के बाद दोनों झुलस गए हैं जिसमें एक किसकी काफ़ी गंभीर है और एक ही दूसरा झुलस गया है और दोनों हॉस्पिटल लाए गए थे। एक को अभी रिफर किया गया है यहाँ से और एक की इलाज चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में देवी जागरण के दौरान दर्दनाक हादसा सामने आया है। मामला फरुखाबाद का है जहां देखते ही देखते देवी जागरण की खुशियां चीख पुकार में बदल गई है। आपको बता दें कि यहां सिलेंडर फटने से महिला समेत दो की दर्दनाक मौत हो गई है और 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मामले की जानकारी देते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों की जांच करने में जुटी है। सर, मेरे घर पर जागरण हो रहा था देवी माँ का, उसके लिए थार के लिए पूड़ियाँ बन रही थी जो मेरी माँ बहन चाची आंटी सभी लोग बना रहे थे। उसमें साथ में मेरे भाई भी थे, साथ में छोटे छोटे भाई भी थे। सिलेंडर में आग लग गई अचानक। सिलेंडर में आग लगने पर सिलेंडर को भार करते हुए
दो लोग चल गए और मुझे तभी तो होश ही नहीं रहा, कहूँ क्या होगा सर। अरे वो सिलेंडर में आग लगी है, पाइप फट गया था, उसके लिए आग लग गई। तो आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ? वहाँ पे हम सारे लोग बैठे थे ना, पूजा हो रही थी वहाँ पे बैठे थे, तो वहाँ पे सिलेंडर एकदम पाइप इधर उधर बहका और उसके अवन से उससे मिलके आग जुड़ गई, फिर पूरे में लग गई। देवी जागरण का प्रोग्राम था, इसी में खाना बनाते समय 16 लोग आग से झुलस गए सिलेंडर में आग लगने से और 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। बेहतर इलाज के लिए 6 को सफाई रेफर किया गया है, शेष का इलाज नहीं चल रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें चिकित्सीय उपलब्ध सुविधाएं हैं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। करी के साथ हमारे संवाददाता दिलीप कटियार जुड़ गए हैं। दिलीप, सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वही अन्य कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। आतंकवादियों की घायलों को जो है 4 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है, जिन्हें हाई सेकेंडरी कर दिया गया है, सही में वहाँ उनका इलाज चल रहा है। बाकी लोगों का कुछ को कायमन चल रहा है, कुछ का नवाबगंज चल रहा है, कुछ का लोहिया अस्पताल फरुखाबाद में इलाज चल रहा है, जिनकी हालत सही बताई जा रही है। दिलीप, ये पूरी घटना फरुखाबाद में कहाँ से सामने आई है? हमारी ये कायमन कोतवाली है, जहाँ पर भटासा गाँव और भटासा गाँव में देवी जागरण का प्रोग्राम चल रहा था, उसके बाद देवी जागरण के बाद में प्रसाद बन रहा था, जहाँ पर प्रसाद बनाते समय सिलेंडर में थोड़ी लीकेज हुई जिससे सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से लोगों ने सिलेंडर को बाहर खींचा, बाहर खींचते खींचते जो सिलेंडर जो है रास्ते में ही फट गया, उसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग घायल हो गए। जय दिलीप, घायल की क्या स्थिति बताई जा रही है? बताया 4 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है, जिन्हें हाई सेकेंडरी रिफर किया गया है और बाकी लोगों की हालत सही है, जिनका फरुखाबाद और प्राइमरी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने की। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले में दबंगों के जुआ खेलने की शिकायत करना एक युवक को महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि युवक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिस पर गुस्साए दबंगों ने युवक के घर में घुसकर शिकायतकर्ता और उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने दबंगों का 151 में चालान किया था और जिसके बाद विवाद बढ़ गया। पीड़ित ने शिकायती पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि मारपीट के दौरान उसको और उसके बच्चों को चोटें आई हैं। भूपेन हलके और नरेश दारू पीते हैं, मोहल्ला में जुगा खाते हैं और हम इसको रोकते हैं तो ये लोग हमकी गाड़ी क्रूज करते हैं और हमने थाने में शिकायत की तो 191 में कल चालान हो गया। फिर चालान होने के बाद फिर 8 लोग घर में घुसे और हमारी मारपीट करने लगे। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते पूर्व प्रधान शशि मौली पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक युवक ने 1995 में हुई अपने दादा की हत्याओं का बदला लेने के लिए शशि मौली की हत्या 4 की साजिश रची थी और अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। वही मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में अपराधियों की रोकथाम और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसी बीच अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। इस तारीख को शशि मौली शुक्ला निवासी थाना बेलीपार ग्राम कनैल, उनके ऊपर एक प्राणघातक हमला किया गया था जिसमें कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जब वो अपने निर्माणाधीन घर से बाहर निकल रहे थे उनके ऊपर फायरिंग की गई थी जिसमें कि उनको 4 बुलेट इंजरी आई थी। तत्काल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, वो उपचाराधीन है, उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि संबंधित मजरूब जो हैं ये थाना बेलीपार के हिस्ट्री शीटर हैं और पूर्व में ग्राम प्रधान भी रहे हैं। इस घटना के संबंध में उनके द्वारा धारा 307 का एक मुकदमा थाना रामगढ़ ताल को पंजीकृत किया गया जिसमें एक अर्पित शुक्ला नाम के व्यक्ति जो कि उसी के गांव के रहने वाले हैं उसको नामजद किया गया।
आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट के खादौर गांव में रात को डेरा में सो रहे किसान की अज्ञात हत्यारों ने गलत घोटकर हत्या कर दी है। मामले की सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शव के पास दीवार पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिला। मोबाइल नंबर के साथ ही लिखा मिला कि 3 लाख रुपए लेकर मिलो। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मामले को लेकर एसपी ने जल्द खुलासा करने के निर्देश भी दिए हैं। अप्रैल को प्रातः कोतवाली करवी अंतर्गत ग्राम खरौन की एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के निवासी प्यारे लाल सनाब स्वर्गीय सूरज प्रसाद अपने खेतों के पास पशुओं के रहने के स्थान में मृत अवस्था में मिले हैं। मौके पर मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है और पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई के पश्चात मुकदमा अपराध संख्या 199/23 पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं जालौन से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर फिर हुआ हादसा। खराब खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा ट्रक। हादसे में ट्रक ड्राइवर की हुई मौत। मृतक की नहीं हो पाई है पहचान। बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें कि एक हाईवे पर फिर से हादसा हो गया है। जालौन से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर फिर से यह हादसा हुआ है। खराब खड़े ट्रक के पीछे से जा घुसा ट्रक और इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। ड्राइवर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जालौन से, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए अभी जुपिटर की एम्बुलेंस द्वारा एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लाया गया, जिसको हम लोगों ने देखा तो वो ब्रॉडेड अवस्था में आए थे हमारे पास जी, और जिसके बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। ना ही व्यक्ति का नाम पता है, ना ही उसका डिटेल है। पुलिस को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई करने के लिए और आगे बढ़ते हैं। मथुरा में पुलिस के लगातार एक्शन में दिखाई देने के बाद भी बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि धौली प्याऊर स्टेट बैंक चौराहे रोड पर बदमाशों ने सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए युवती के साथ लूटपाट कर दी है। बदमाशों ने वारदात को अंजाम उस समय दिया जब युवती अपनी ड्यूटी खत्म कर ई रिक्शा में सवार होकर अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में धौली प्याऊ फाटक के पास दो युवकों ने उसे रोक कर उसके बैग छीनने की कोशिश की है। बैग न छीन पाने पर दोनों ने उस पर हमला कर दिया है और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए हैं। युवती के साथ हुई लूटपाट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। और मेरी बिटिया धौली प्याऊ में जॉब करने आती है, डेली आती है और डेली जाती है। तो आज शाम को सर, रात को करीब 8:30-9:30 के आसपास, ये जो भीमनगर स्टेट बैंक चौराहे के पास में जो पड़ता है, वहाँ पर उसके साथ में थोड़ी सी घटना घट गई कि उसका मोबाइल वगैरह छीन लिया और उसको छीना गट्टी में थोड़ी बहुत चोट वोट दिया। और कानपुर शहर के तंग गलियों और घने इलाकों में KDA और की अनदेखी के चलते बन रही बहुमंजिला इमारतें अब जानलेवा साबित होती जा रही है। अभी बास मंडी के 5 कॉम्प्लेक्स में लगी आग ठीक से बुझी नहीं पाई थी कि बेकनगंज जैसे घने इलाके में नियमों की अनदेखी कर बनाई गई मंजिली इमारतें के बेसमेंट की स्थिति में 2 रेडीमेड की दुकानों में अचानक आग लग गई है और इस आग से दुकान के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि यह इमारत अभी हाल ही में बनाई गई थी और ईद के चलते दुकानदारों ने बेसमेंट में जो दुकानें ली है उसमें लाखों का माल भर रखा था।
यानी कि सामान भर रखा था और समय रहते आसपास के लोगों ने देख लिया आग लगने की घटना को और तत्काल दुकानदार को इसकी सूचना दी गई। साथ ही समरसेबल और अन्य संसाधनों से आग पर काबू पाया गया। वैसे सूचना मिलने पर मौके पर तत्काल ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची। वहीं पीड़ित दुकानदार का कहना है कि इस आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आगे बढ़ते हैं और अब खबर सीतापुर से है, जहां पर दो आपसी झड़प हो गई है। दो समर्थकों के बीच ये आपसी झड़प देखने को मिली है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीतापुर जनपद के तंबौर थाना क्षेत्र में निकाय चुनाव को लेकर नगर पंचायत के दो पूर्व अध्यक्ष और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ और पुलिस को भी निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि तंबौर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और निवर्तमान अध्यक्ष के प्रतिनिधि बीजेपी नेता के समर्थकों के बीच निकाय चुनाव को लेकर जमकर बवाल हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई है। दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान सुशील चंद्रभा ने बताया है कि नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और उनके भाई अशफाक सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। और मेरे साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।